और टेल्स की तरफ से मेरे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को प्यार भरी नमस्ते। बच्चों, हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। कभी कभी हमें उनकी कही बात बुरी लगती है और उसे मानने का मन भी नहीं होता, पर वही हमेशा सही होती है, हमारे भले के लिए होती है ना? आओ एक कहानी सुने जो इसी बात को हमें अच्छे से समझाती है। तैयार हो तो आओ करें जंगल की सैर। मेमने अपनी माँ सोनी का कहना नहीं मानते थे, इस वजह से उनकी जान खतरे में आ गई। सोनी बकरी जंगल के बीचों बीच एक छोटे से घर में रहती थी। उसके साथ मेमने थे। सफेद रंग के छोटे छोटे मेमने बहुत शैतान थे। मेमने हमेशा कोई ना कोई शरारत करते ही रहते थे। एक दिन सोनी बकरी को जंगल से दूर पहाड़ी पर अपनी बूढ़ी दादी के घर जाना था। सोनी ने अपने मेमनों से घर के अंदर ही रहने को कहा। माँ की बात न मानकर मेमने घर के बाहर खेलने लग गए। कुछ दूरी पर एक भेड़िया ताक लगाए बैठा था। अरे वाह! वह एक मेमने को चुपके से उठाकर ले गया। दूसरे सभी मेमने डर के मारे घर के अंदर भाग गए। शाम को माँ को देखकर मेमने रोने लगे। मेमनों ने रोते रोते सारा किस्सा सुनाया। माँ माँ माँ, एक भेड़िया आया था माँ। मेमनों ने माँ से माफी मांगी। सोनी ने मेमनों को प्यार से गले लगाया। सोनी ने समझाया कि बच्चों को हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। देखा बच्चों, अपनी मम्मी का कहना न मानना मेमने को कितना भारी पड़ा। मम्मी पापा और हमारे सभी बड़े हमारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो हमें समझाते हैं और इसीलिए हमें हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। उनकी बात मानोगे ना? शाबाश! अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टूडल्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज टाइनी टॉट टेल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई मनपसंद कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें एक ऑडियो या विजुअल क्लिप नीचे दी गई ईमेल पर भेजें। धन्यवाद।